एक समय था जब बार्सिलोना से सब टीम्स कप कपाती थी भाई, और उस समय में जो है वो बार्सिलोना ट्रेबल जीती थी, आपको याद होगा तो। लेकिन वो जो ट्रेबल वाला सीजन था ना दोस्तों, वो बहुत रोलर कोस्टर वाला सीजन था। इन मिड ऑफ द सीजन भाई लुइस एनरिके वाज दिस क्लोज टू भाई साहब गेटिंग सैक्ड। लेकिन कैसे बार्सिलोना ट्रेबल जीती थी, चलिए आपको जो है वो वापस ट्रेबल वाले सीजन में लेकर के जाता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर हेल्पिंग अस टू रीच 100K का मार्क। मोर ओवर, अगर 100K हो चुके होंगे, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं अभी फिलहाल एक नॉन नेटवर्क वाले जोन में रहूंगा तो मुझको नहीं पता। अगर 100K हो गए होंगे तो भी सब्सक्राइब कर देना टू हेल्प अस रीच 200K का मार्क। एंड ऐसी वीडियोस बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। देखें दोस्तों, साल था 2014 पंद्रह वाला, और 2014 में अगर मैं हमारे इंडिया के बारे में बात कर लूं तो PK रिलीज हुई थी, हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हुई थी, आपको याद होगा तो। और iPhone 6 लॉन्च हुआ था, जिसका बैंड वाली वीडियोस काफी वायरल जा रही थी भाई यूट्यूब में कि बैंड हो जा रही आईफोन, तो पूरा तू ऐसे उथल पुथल मचा हुआ था पता टेक कम्युनिटी में। लेकिन उथल पुथल बार्सिलोना में भी मचा हुआ था, क्योंकि यही सीजन था जिससे पहले टाटा मार्टिनो को सैक कर दिया गया था। बार्सिलोना कंफ्यूज थी कि किसको नया कोच बनाया जाए, एंड दे ऑप्टेड फॉर लुइस एनरिके, जो बार्सा बी के ही कोच थे। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज देखने को मिली थी, जैसे पेप गार्डियोला को बार्सा बी से ला करके कोच बनाया गया था, वैसी जो है वो भाई यहाँ पे लुइस एनरिके को भी जो है वो बार्सा बी से बुला करके कोच बना दिया गया था। अगर मैं बात कर लूँ ट्रांसफर्स की, तो हमारे दोनों गोलकीपर जो है वो भाई आउट हो गए थे, विक्टर वेल्डेस और पिंटो, और इसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए भाई क्लाडियो ब्रावो को साइन किया गया था, टर स्टेगन को भी साइन किया गया था। पुयोल ने भैया रिटायरमेंट ले लिया था, और वो रिटायरमेंट भैया पूरी बार्सिलोना को सर्व करके लिए थे, वन क्लब मैन बन करके जो है वो रिटायरमेंट लिए थे। तो एक ऐसे दिल में बोझ था कि भाई अब पुयोल का जगह कौन लेगा टीम में, और एक बोझ से तो हम जूझ ही रहे थे कि भाई पुयोल जो है वो भाई टीम छोड़ करके चले गए हैं। मार्केट में ऑलरेडी खबरें जो है वो भाई जा रही थी कि ये सीजन लास्ट सीजन हो सकता है शावी का। लेकिन कुछ और मेजर ट्रांसफर्स के बारे में बात कर ले, तो फैब्रिकास को चेल्सी बेच दिया गया था, एलेक्सिस सैंचेस को आर्सेनल अपन बेच दिए थे, और मिडफील्ड में हमने रैकेटिच को साइन किया था, मेरे को ये याद है, इन ऑर्डर टू रिप्लेस काइंड ऑफ शावी, हमने रैकेटिच को ला करके रखा था यहाँ पे, ठीक है। और एक बहुत बड़ी ट्रांसफर हुई थी लुइस सुआरेस की, अगर आपको याद होगा तो 81 मिलियन शायद जो है वो लिवरपूल को पे करी थी लुइस सुआरेस के लिए। लेकिन लुइस सुआरेस वर्ल्ड कप से लौट करके आए थे, काटने वाले जो है वो भाई पूरे कहानी को करके, तो उसके लिए फीफा ने इनके ऊपर बैन लगा दिया था कि अक्टूबर से पहले लुइस एनरिके एक भी गेम नहीं खेल पाएगा। लेकिन बार्सिलोना ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आइए भैया क्लब को सर्व करिए, हम आपको अक्टूबर में खिलाएंगे। लेकिन एक सेटबैक था क्लब में, और वो था कि नेमार वॉज नॉट अवेलेबल फॉर दी आधा सीजन, बिकॉज वो ब्राज़ील में इंजरी लेके आया था, आपको याद होगा तो वर्ल्ड कप में, उसी के चलते भाई नेमार भी अवेलेबल नहीं था। सीजन स्टार्ट होता है और अपने पहले गेम में ही जो है वो अच्छा खासा विक्ट्री जो है वो बार्सिलोना लेकर के आ जाती है, 3-0 की विक्ट्री अपन को देखने को मिली थी। और उस समय लाइनअप कुछ ऐसा था, लाइनअप के बारे में बात कर ले तो मुनीर एंड रफीनिया स्टार्ट करे थे विद मेसी बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली नेमार अवेलेबल नहीं था। मिडफील्ड में इनिएस्टा बुस्केट्स और रैकेटिच को देखने को मिला था, शावी अब थोड़ा सा रोल अपना डाउन कर लिए थे। अपन को बैक में जॉर्डी एल्बा, मैथ्यू शरानो और डेनी एल्विस देखने को मिले थे विद क्लाडियो ब्रावो इन गोल। अब इस लाइनअप के साथ तो ऑब्वियसली ट्रेबल इन लोग नहीं जीते होंगे ऑब्वियसली, राइट। तो क्या ट्रेबल में लाइनअप थी वो मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन लालीगा के बारे में बात कर ले तो शुरुआत के 8 मैचेस बार्सिलोना जो है वो अनबीटन थी, और कहानी अच्छी खासी चल रही थी। इवेंचुअली जब लुइस सुआरेस का डेब्यू हुआ, वो डेब्यू एल क्लासिको वाले दिन में था, लेकिन वो मैच बार्सिलोना हार गई थी 3-1, जिसमें रोनाल्डो का एक पेनाल्टी आया था, बेंजिमा का एक गोल अपन को देखने को मिला था, और 3-1 की लॉस के साथ बार्सिलोना वापस कैंप नाउ लौटी थी। फिर कुछ मैचेस इधर उधर जीतने के बाद एक मैच आता है जो था रियल सोसेडेड के खिलाफ। नाउ दिस मैच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट फॉर FC बार्सिलोना। इस मैच से पहले रिपोर्ट्स ऐसी नजर आ रही थी मार्केट में कि लियो मेसी और लुइस एनरिके के बीच में कुछ जो है वो लफड़ाबाजी हो रहा है, और इतना ज्यादा उनके बीच में रिफ्ट हो गया है कि भाई हो सकता है कि लुइस एनरिके को अपना जॉब छोड़ करके जाना पड़े, डिस्पाइट वो कितना भी अच्छा बार्सिलोना को क्यों ना खिलवा रहे हो, क्योंकि अगर लियो मेसी खुश नहीं है तो फिर बार्सिलोना कोई भी जो है वो डिसीजन ले सकती है। तो यहां पे लुइस एनरिके की जॉब को खतरा था। अब इस गेम में रियल सोसेडेड
100 वाले गेम में ही मेड मेसी टू सिट ऑन दी बेंच, आप समझ सकते हो। और मेसी बेंच में बैठे हुए थे, रियल सोसिएडेड से बार्सिलोना हार गई थी, और फिर तो भैया मीडिया में आगो की तरह ये खबर फैल गया था कि लुइस एनरिके 100% जो है वो सैक हो जाएगा। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट सीजन का। इवेंचुअली नेमार वॉज फिट, लुइस सुआरेस वॉज भाई साहब क्रैकिंग, एंड लियो मेसी ने खुद से बोला कि मैं राइट विंग में खेल लूंगा, और हमको देखने को मिला थी डेडली ट्रियो ऑफ MSN जो भैया गोल पे गोल दाग रहे थे। और हेंस बार्सिलोना उसके बाद एक अनबीटन जो है वो रिकॉर्ड में जाती है, केवल एक मैच हारते हैं पूरे सीजन के आखिरी तक, और वो भी मलागा के खिलाफ था 0-1। लेकिन उसके अलावा हर एक गेम जो रियल सोसिएडेड के गेम के बाद हुआ, दे वॉन दी गेम, और भाई साहब जीते तो जीते, रियल मैड्रिड से भी उसमें एक क्लासिको जीत करके आए थे, जिसमें सुआरेस और मैथ्यू का अपन को जो है वो गोल देखने को मिला था। कुछ बड़े आपको अगर मैं बता दूं, वो लालीगा की जीत के विक्ट्रीज तो भाई 8-0 जो है वो कोरोड्रबा ऐसे करके एक टीम थी उसके खिलाफ जीत गए थे, 0-6 हम गेताफे के खिलाफ जीते थे। और ये टाइम था बार्सिलोना का जब छोटे टीम के खिलाफ ना 0-6, 0-4, 0-5, 0-7 ऐसे गोल्स तो मतलब आम बात थी बार्सिलोना के लिए। भाई कोपा डेल रे में भी बार्सिलोना की कहानी काफी अच्छी चल रही थी। पहला जो उन लोग का मैच था वो यूएसका के खिलाफ था, जो वो एग्रीगेट स्कोर में 12-1 जीत करके आए थे। फिर एलची के खिलाफ भी एग्रीगेट में 9-0 की जीत करके आए थे, और अनबीटन होते होते जो है वो फाइनल में पहुंचे थे। फाइनल इनका जहां वही एथलेटिक बिलबाओ के खिलाफ, जहां पे इजी 3-1 की विक्ट्री, 2 गोल मेसी की तरफ से और 1 गोल नेमार की तरफ से गोल के, कोपा डेल रे भी उठा लिया। अब 2 ट्रॉफीज इन बैक थी, लेकिन 1 ट्रॉफी की कमी थी, और वो था UCL। UCL की कहानी अगर मैं बता दूं तो वो सीजन बार्सिलोना के UCL में ग्रुप में अच्छा ग्रुप मिला था बार्सिलोना को, ऑल दो ग्रुप ऑफ डेथ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छा सीजन था, जिसमें बार्सिलोना, PSG, AX और एक अपोल करके एक टीम थी, वो थी हमारे ग्रुप में। तो इस ग्रुप में PSG थी बार्सिलोना के साथ और AX भी थी, और ये ग्रुप बार्सिलोना जो है वो नंबर 1 जीत करके आई थी भाई, जिसमें उन्होंने PSG से केवल एक ही मैच हारा था उनके होम में, उसके अलावा दे वॉन एवरी सिंगल गेम इन द ग्रुप स्टेज। अब जब जैसी बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 में जाती है, तो राउंड ऑफ 16 में उनके सामने थी मैन सिटी। दोस्तों ये मैन सिटी हल्की फुल्की मैन सिटी नहीं थी, दिस मैन सिटी वॉन द प्रीमियर लीग इससे पहले वाले सीजन में, वो प्रीमियर लीग चैंपियंस बन करके जो है वो इस UCL के कॉम्पिटिशन में खेल रहे थे। वहां पे पेलिग्रिनी जो है वो भाई आपके कोच थे, और पेलिग्रिनी इस सीजन भी काफ़ी अच्छा खिलवा रहे थे मैन सिटी को, जिसमें ये चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ रही थी कि इन लोग टॉप 2 तो मैन सिटी हमेशा से फिनिश करनी करने वाली है प्रीमियर लीग में। लेकिन इस भाई टॉप साइड मैन सिटी को बार्सिलोना दोनों लेग में जो है वो हरा करके राउंड ऑफ 16 के बाद क्वार्टर्स में जगह बनाती। क्वार्टर्स में बार्सिलोना को मिली PSG, और PSG को तो एक बार हमने ग्रुप में हराया था, लेकिन एक बार हारे भी थे भाई, तो थोड़े से डाउट्स थे PSG से। और ये PSG की टीम वॉन एवरीथिंग एट फ्रांस, ठीक है, मतलब ये चैंपियन तो थी, प्लस हर एक चीज, जितनी भी आंडू बांडू ट्रॉफी रहती है फ्रांस में वो हर एक जीत चुकी थी। लेकिन बार्सिलोना ने इस बार दोनों लैग में जो है वो हराया PSG को, एक लेग में 3-1 जिसमें 2 गोल नेमार की तरफ से देखने को मिला, 1 सुआरेस की तरफ से देखने को मिला, और सेकंड लेग में 0-2 जिसमें नेमार की तरफ से जो है वो अपन को 2 गोल देखने को मिला। अब लगता है समझ आ रहा है कि नेमार को इन लोग ने क्यों साइन किया था, क्योंकि नेमार वाज डैडी ऑफ PSG बैक देन। एनीवेज फिर टाइम आता है सेमीफाइनल का, एंड दिस सेमीफाइनल वाज डैम इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इसलिए था बिकॉज ये सेमीफाइनल में सामने थी बायर्न। बायर्न म्यूनिख वाज भाई साहब बीइंग मैनेज्ड बाय पेप गार्डियोला बैक देन, ही वाज द मैनेजर जिसके चलते बार्सिलोना थी, मेसी था, और इसने सेक्सटुपल जिता करके जो है वो बायर्न को चुना था। तो पेप गार्डियोला जैसा खिलाड़ी और मैनेजर जो लेजेंडरी स्टेटस ऑलरेडी बार्सिलोना में जो है वो ले करके बायर्न ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी टीम के खिलाफ भाई उन्हीं की टीम बार्सिलोना आने वाली है, और लुइस एनरिके उनके चेले के साथ। अब भाई ये गेम से पहले एक चीज जो थोड़ा सा बार्सिलोना के फेवर में जला गया, और वो ये था कि भाई बायर्न की टीम बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। रॉबरी जिसमें अपन कहते थे रॉबन और भाई साहब यहाँ पे रिबरी को, दोनों इंजर्ड थे, बैट सुपर एल्बा और रॉड ये भी इंजर्ड थे। अब इन इंजर्ड खिलाड़ी के सामने भैया MSN थे, और MSN टॉप चल रही थी भाई, देवर स्कोरिंग गोल्स फॉर फन हियर एंड देयर। तो कहीं ना कहीं सब लोगों के मन में था कि हाँ यार बार्सिलोना हैव देयर चांस ओवर दिस इंजर्ड साइड ऑफ बायर्न। इवन पेप गार्डियोला इन वन ऑफ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड कि भैया मेसी इज अनबीटेबल इस सीजन में, एंड एग्जैक्टली वही होता है। बायर्न के खिलाफ जो है वो बार्सिलोना खेलने उतरती है, पहले लेग में 3-0 जो है वो बार्सिलोना
बार्सिलोना हरा देती है बायर्न को, जिसमें दो गोल अपन को मेसी की तरफ से देखने को मिला और एक गोल नेमार की तरफ से देखने को मिला। और वो दो गोल जो मेसी का था उसमें एक गोल आपको जरूर याद होगा जो बोटेंग के ऊपर से गया था, जिसमें बोटेंग बहुत हीरो बाज बन रहा था ना इस गेम से पहले कि आई एम द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड, मेरे को हरा के दिखा लियो मेसी, ले बेटा चिप करके जो है वो न्यूयॉर्क के सामने से गोल पेला था लियो मेसी ने। सेकंड लेग में थोड़ी दुविधा में पड़ी थी बार्सिलोना, 3-2 हार गई थी, इवेंचुअली एग्रीगेट में पार हो गई थी। दो गोल जो है वो नेमार ने मारे थे और बार्सिलोना का नैया पार लगवा दिया था एग्रीगेट स्कोर के थ्रू। और फिर फाइनल में हमारा सामना होता है यूवेंटस से। अब ये यूवेंटस की साइड अभी की लुल्लु पुंजू यूवेंटस नहीं है भाई, वो यूवेंटस एक अलग ब्रीड ऑफ फुटबॉल खिलाती थी। और ये यूवेंटस जो है वो सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को हरा करके आई थी, और वो रियल मैड्रिड में भैया रोनाल्डो रोनाल्डो अलग ही टीम थी भैया, लेकिन यूवेंटस ने सक्सेसफुली जो है वो रियल मैड्रिड को हरा करके फाइनल्स में अपनी जगह बनाई थी। पहले लेग में 2-1 उन्होंने हराया था रियल मैड्रिड को और सेकंड लेग में 1-1 हराया था, और फिर इन लोग जो है वो फाइनल में एंट्री मारे थे। लेकिन बार्सिलोना ने भी जो है वो ऐसे कच्चे दाव पेज नहीं खेले थे भाई, बार्सिलोना ने चैंपियंस को डिफीट करके फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। पीएसजी फ्रांस की चैंपियंस बनी इवेंचुअली, बायर्न जर्मनी की चैंपियंस बनी इवेंचुअली, एंड मैन सिटी ऑल द लीग में सेकंड फिनिश करी थी उस सीजन, बट उससे पहले तो चैंपियंस थी। तो भाई बार्सिलोना भी चैंपियंस को हरा करके जो है वो अपना रूट बनाए थे फाइनल में, और उनका रूट ईजी नहीं था। बट यूवेंटस की टीम एलेग्री के अंदर लीथल नजर आ रही थी, नॉट गोना लाई। एलेग्री आ करके कॉन्टे की यूवेंटस को बहुत थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिए थे, अच्छे प्लेयर्स थे इनके पास, मोराटा था इनके पास, यंग विडाल था इनके पास जो काफी अग्रेसिव था, पॉल पोगबा था अपने प्राइम पे, पिरलो, बोनुची, इवरा, पेद्रिस इवरा को भी इन लोग रखे हुए थे, और बोनुची भी आपको जो है वो देखने को मिला था। तो ये टीम हल्की फुल्की नहीं थी, लेकिन बार्सिलोना की टीम भी हल्की फुल्की नहीं थी। ये लाइनअप था फाइनल पे, ऑब्वियसली स्टार्टिंग 11 में एमएसएन के बिना, मेसी और नेमार और सुआरेस के बिना बार्सिलोना अधूरी थी, और ऑब्वियसली फाइनल में they decided to go with MSN। मिडफील्ड में आपको जो है वो इनिएस्टा, बुस्केट्स एंड रैकिटिच देखने को मिला था, शावी जो है वो बेंच में थे, और डिफेंस में एल्बा मैशरानो जगह ले लिए थे पियोल की, पीके और राइट हैंड साइड में डेनी एल्विस विद भाई साहब दी गोलकीपर बीइंग क्लाडियो ब्रावो। अब इस टीम के सामने तो आज भी मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी टीम्स घुटनी टेक देंगे, एंड एग्जैक्टली वही होता है। शुरुआत में गोल अपन को 4 मिनट में रैकेटिच की तरफ से देखने को मिल गया था, जो एक रॉकेट था नेमार और इनिएस्टा के टिकी टाका के बाद वो बॉल इवेंचुअली रैकेटिच को मिलती है, और रैकेटिच भाई साहब तुरंत गोल मार देते हैं। हाफ टाइम में 1-0 गेम खत्म होता है, फिर हाफ टाइम होने के बाद मोराटा ने एक रिबाउंड गोल मार करके जो है वो 1-1 स्कोर लाइन कर दिया था। लेकिन फिर जैसा जैसा गेम ग्रो हुआ, बार्सिलोना बहुत ही कंफर्टली जो है वो भाई गेम को डिक्टेट और कंट्रोल करने को लग गई, और उसके बाद जो है वो अपन को एक गोल नेमार की तरफ से देखने को मिला, जो मेसी के बहुत प्यारे ड्रिबल के बाद गोलकीपर से छिटक करके बॉल आई थी, और फिर जो है वो नेमार ने गोल मार दिया था। और आखिरी गोल अपन को जो है वो लुइस सुआरेस की तरफ से देखने को मिला था, जिसमें हम लोग 3-1 फिनिश करके फाइनली यूसीएल उठा लेते हैं। और ये यूसीएल उठाने के बाद शावी साइड की जो है वो भाई बार्सिलोना छोड़ करके जा रहा हूं, एंड व्हाट अ वे ही एंडेड हिज करियर बाय विनिंग द ट्रेबल भाई साहब। और उसके बाद फिर शावी अपने अलग ही जो है वो अलग ही चले गए भाई, अलग अलग चले गए। लेकिन फिर बार्सिलोना 6 ट्रिपल क्यों नहीं जीती, तो फिर अगले सीजन में दे वेंट अहेड एंड वॉन फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी जीत गए थे, सुपर कप भी जीत गए थे, बट मेरे ख्याल से उन लोग वो हार गए थे जो स्पेनिश सुपर कप होता है, तो वो हारने के चलते जो है वो बार्सिलोना अपना जो है वो 6 ट्रिपल नहीं कर पाई, वरना 5 ट्रॉफीज तो भैया हमारे बैग में थे। डीएनए भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज, दिमाग में चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।